मित्रों जय श्री राम। मैं YCMO के एडमिशन को लेकर के आप सभी के बीच आ गया हूँ। आपका पुनः पुनः वंदन अभिनंदन यहाँ पर है। अब मैं आपको बता दूँ कि कैसे ये आगे चलेगा। आपको एडमिशन लेना है तो सबसे पहले YCMO डिजिटल यूनिवर्सिटी डॉट ए सी पर जाइए और आपको क्लिक करना होगा। कहाँ पर दो चीज़ें, दो इंपॉर्टेंट लिंक्स आपके लिए काम आएंगी, एडमिशन और प्रोस्पेक्टस। बहुत सारे बच्चे कमेंट करने लगे हैं मेरे पहले वाले वीडियो पर, इसके पहले वाले, कि सर कब से हमें ये होगा हमारा एडमिशन, मतलब MSc का, MCA का, ये सब एडमिशन कब होगा। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप फटाफट जाकर के अपने प्रोस्पेक्टस देख लीजिए ताकि आपको ये श्योर हो जाए कि कौन से कोर्स में लेना चाहते हो एडमिशन, कितनी फ़ीस है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि एडमिशन की लिंक जो आई है वो ये है, इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के तुरंत बाद जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा हुआ है एडमिशन 19-20 2019-2020। अगर आपको एडमिशन से संबंधित कोई भी और समस्या, कोई जानकारी चाहिए तो आपको ईमेल आईडी दिया हुआ है, मोबाइल नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट एंड यू कैन गेट ऑल द थिंग्स। और आपको कहाँ क्लिक करना है, प्रोस्पेक्टस 19-20 पर। तो चलिए क्लिक करते हैं, देखते हैं प्रोस्पेक्टस कहाँ है। जैसा कि मैंने बताया टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर है प्रॉस्पेक्टस, इस पर क्लिक करते हैं और इसमें फ़ीस की भी जानकारी दी हुई है, इसमें डेट्स की भी जानकारी दी हुई है। सॉरी, हॉल टिकट पर क्लिक हो गया। प्रॉस्पेक्टस पर क्लिक करते हैं और हम जाकर यहाँ फ़ीस की जानकारी लेंगे तो किसकी किसकी डेट्स क्लियर हो गई हैं। बीएड स्पेशल फाउंडेशन की आ गई है और प्रोग्राम्स इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में BSc डिप्लोमा सब की डेट्स आ गई हैं। आप क्लिक करके यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अभी ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, मतलब BA BCOM, कंप्यूटर साइंस, सर्विस डिवीजन, हेल्थ सेक्शन, कंटिन्यूस एजुकेशन साइंस और कॉमर्स, BA BCOM, MBA, इन सब का प्लीज़ वेट लिख करके, अर्थात इस पर क्लिक करना बाकी। आप इसी तरह रोज़ आप भी चेक करते रहिए, चेक करके देखिए कि आपके एडमिशन की डेट क्या है। और प्रॉस्पेक्टस में जाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या पता चलेगा, आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी डेट्स क्या हैं, आपके स्टडी सेंटर्स कहाँ कहाँ पर हैं और फीस कितनी है और क्या क्या एलिजिबिलिटी है, सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। और अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप जब यहाँ क्लिक करेंगे, जैसे मान लो मैं एग्रीकल्चर साइंस का एक क्लिक करके ही दिखा देता हूँ आपको। व्हेन वी क्लिक, डाउनलोड होगा थोड़े समय तक, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। डाउनलोड होने के बाद एक PDF फाइल आपके मोबाइल पर अपलोड होगी। लेकिन ध्यानपूर्वक आप यह चीज़ आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप सभी पर देख सकते हैं। और ध्यान दीजिए ये सब क्या है, सीरियल नंबर 1111, अगर एक ही समझो ह्यूमैनिटीज एंड साइंस में 1-2 है तो 1-2 बन करके आ जाएगा। जैसे जैसे यूनिवर्सिटी अपलोड करेगी वैसे वैसे हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, आप भी इसी तरह से चेक कर सकते हैं। 2-3 सेकंड में आपको PDF खोल करके दिख जाएगी, देखो तुरंत ओपन हो गई। अब इसमें देख रहे हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी होती है, ये हम आपको बता दे रहे हैं। इसी तरह आप अपना प्रॉस्पेक्टस, बड़ा था इसलिए 2-3 सेकंड लग गया, लिखा है माहिती पुस्तक 2000, ऐसे समय 2019 लिख करके, अगर पुराना रेफर मत करिएगा। आपको दो वेबसाइटें दी गई, YCMO.ac.in और YCMO.digitaluniversity.ac.in.ac, इस पर देखिए सुस्वागतम लिखा हुआ है। और आपको क्या दिया गया है, सारी चीज़ें, कौन कौन से शिक्षण क्रम हैं, कौन कौन सी मान्यता सूची है, वेड़ा पत्रक क्या है, सूचना व आरक्षण क्या है, पात्रता कालावधि शैक्षणिक क्या है, शिक्षण केंद्र से संपर्क साठी क्या है, विद्यापीठ की संपर्क सूची क्या है, बेड़ा पत्रक यहाँ है, सर्वसाधारण सूचना है, सब कुछ मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। ये देख रहे हैं सब कुछ, ऐसे आपको हर PDF में ऐसे लिख करके आएगा। अब देखो 3 जूनियर से एडमिशन फॉर्म शुरू हो जाएगा, 17 तक चलेगा। फिर प्रथम फेरी का जो निकलेगा मेरिट लिस्ट 20 जून को आएगा। फिर 21 से 24 तक प्रथम गुणवत्ता यादित फेरी का एडमिशन राउंड होगा। फिर 27 जून को दूसरी गुणवत्ता यादी, फिर तीसरी 3 जुलाई को, इस तरह से 10 जुलाई तक। लेकिन मैं कहूँगा 3 से 16 इज़ द मेन इंपॉर्टेंट डेट, आपको यही फॉलो करेंगे। और कहाँ कहाँ होगा, यहाँ यहाँ होगा, यहाँ परीक्षाएँ हैं, सब कुछ है। ऐसे आप लोग भी डाउनलोड करो और देखो कि किस तरह से कहाँ परीक्षा होगी। एंट्रेंस टेस्ट होगा, ध्यान रखना एंट्रेंस टेस्ट हो ही बिना कुछ नहीं होगा। यहाँ तक कि एग्ज़ाम का डेट भी दे दिया है, यहाँ वाइस परीक्षा तक 2 से 5 अप्रैल के बीच में होगा, ये सब दे दिया है। ये है सब कुछ दिया हुआ है, कौन सा कोड है, ये सारे सब्जेक्ट के कोड है, कौन कौन से, ये प्रोग्राम के कोड है, मैं एग्रीकल्चर का बता रहा हूँ। तो पूरी तरह से आप लोग समझ जाइए, माड़ी प्रशिक्षण, ये सब कोर्स के नाम है, प्रमाण पत्र है मतलब सर्टिफिकेट, ये डिप्लोमा है, ये भी प्रमाण पत्र है, डिटेल में दिया है, पदविका है, सब पदविका है, पदविका 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 पदविका,
और देखो पात्रता लिखा है, 10वीं पास ना पास, 10वीं पास ना पास, ये सारी व्यवस्थाएं दी हैं, पढ़ लीजिए। फीस दी हुई है, कोई आपसे एक पैसा इधर उधर नहीं ले सकता है, जो लिखा है उतना देना है। इस तरह आप हर एक चीज़ का डाउनलोड कर सकते हैं। 75% के ऊपर जाएंगे तो आपको प्रवणिया साठी प्रथम श्रेणी, उच्च प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी, ये सब चीज़ें दिया हुआ है, कैसे पासिंग मार्क होंगे और कहाँ कहाँ मुक्त कृषि विद्यापीठ से संपर्क करने की व्यवस्था, मोबाइल नंबर के साथ, एक एक नहीं दो दो मोबाइल नंबर, 9 यहाँ है अमरावती विभाग में, औरंगाबाद विभाग में 7 है, मुंबई विभाग में रोहा, सरलगांव, मतलब ये सारे सेंटर्स हैं, आप चेक कर लीजिए, उनको फ़ोन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना है तो मेरे वीडियो से ले लीजिए, और उसके बाद मुक्त विद्यापीठ विभाग केंद्र व विद्यापीठांची संपर्क सूची, ये आप यहाँ से देख लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप मैं कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।